हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एमयू का जो कैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो पांच कोर्सेज के हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं एंड किस फैकल्टी के अंतर्गत वो सारी कोर्सेज आते हैं, वो सारी बातें बताने वाला हूँ मैं। एंड क्या क्या सिलेबस रहने वाला है एंड क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए एंड आप हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एंड एमबीए की जो एंड MSW जो पांच कोर्सेज है जिसका इस बार कैट के थ्रू एडमिशन होना है, वो कोर्सेज है MBA एग्रीकल्चर बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, IBN IBF एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये वो पांच कोर्सेज हैं जिसका इस बार कैट के थ्रू एडमिशन होना है। एंड MBA एग्रीकल्चर बिजनेस का अगर बात किया जाए तो वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल जो साइंस, इस फैकल्टी के अंतर्गत ये आएगा। एंड इसके बाद अगर दूसरी ब्रांच जो MBA की जो बात किया जाए, अगर वो उसके बारे में बात करें तो वो है MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आएगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ये इस फैकल्टी के अंदर आता है। एंड इसके बाद अगर बात करें जिस MBA ब्रांच का कैट के थ्रू एग्ज़ाम होना है इस साल, वो है MBA IBN IBM। ये वो ब्रांच है जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। एंड इसका भी इस बार जो एंट्रेंस होना है वो कैट के थ्रू होगा। कैट इस बार जो है पांच कोर्सेज जो हैं उसका एग्ज़ाम कंबाइंड एंट्रेंस करवाने वाली है। एंड इन पांचों का सिलेबस क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं आगे, अभी वीडियो में आप बने रहें। एंड MBA IB के बाद जो बात करें वो है MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये जो आपका MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी आपका फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च इसके के अंदर आता है ये भी। एंड इसके बाद जो कोर्स है जो इसका इस बार कैट के थ्रू एग्ज़ाम होना है, वो है MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस इसके अंदर आता है। तो ये वो पाँच कोर्सेज हैं जिसका इस बार कैट के थ्रू एडमिशन होना है। एंड इस बार जो एग्ज़ामिनेशन होगा आपका कैट का, जो वो है दो सेक्शंस पे आपका बटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है ये पांचों कोर्सेज का जो है सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें जो आपका जो है MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो आपका सेक्शन बी में डिवाइडेड रहेगा। उसमें आपको 50 नंबर का जो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस आएंगे वो उसके लिए आपको एक घंटा अलग से मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको 150 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें आपको 3 घंटा उसके लिए होगा। एंड बाकियों के लिए आपका 100 नंबर का पेपर होगा। तो वो 100 नंबर का क्या सिलेबस है, चलिए मैं अब उस पर बात करता हूँ कि वो 100 नंबर का जो है कौन कौन सी चीज़ है जो आपको पढ़ना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो सिलेबस की अगर बात करें इन पांचों पेपर के लिए, या दो सेक्शंस हैं जो दो डिवाइडेड जो सेक्शन है ए एंड बी, उसमें जो आपका सेक्शन ए की अगर सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें जो जो चीज़ रहेगा जो आपको पढ़ना चाहिए, तो वो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। ये वो आपका सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। इसके बाद जो है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद है क्वालिटेटिव एबिलिटी एंड इसके बाद है जनरल अवेयरनेस। ये वो चीज़ें हैं जो आपको सेक्शन ए के सिलेबस में रहेगा। एंड ये जो सिलेबस है ये आपके पांचों पेपर के लिए रहेंगे, लेकिन आपका जो सेक्शन बी जो है वो जो कि बेसिकली सिर्फ MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना है, उसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड आपका 50 नंबर का क्वेश्चन अलग से रहेगा, जिसके लिए आपको एक घंटा अलग से मिलेगा। तो टोटल तो MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उसका जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। एंड बाकी जितने भी जो चार कोर्सेज हैं जिसका कैट के थ्रू इस बार एडमिशन हो रहा है, उसके जो हैं 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे एंड उसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। तो ये थी वो सारी बातें जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा एंड जो मैं बताना चाह रहा था वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका कि पूरी सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ भी समझाया जाए। एंड आपको वीडियो आप अगर पहली बार देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। एंड बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है या आप हमारे वीडियोस देखते हैं जो आप इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा और भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।